मैंने इसको बोला था खुला करके लिया, देखते हैं कितना ईमानदार है। मैं सोच के इसको मैंने भेजा था, लेकिन काफ़ी ईमानदार निकला बच्चा, आ गया। देखो ऐसे ईमानदार बच्चे हो ना तो देश की बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो फटाफट चलते हैं गाइस। खुश है तू? क्या मान सन के खुश है तू? खुश है? अच्छा, कौन है? ये भी बेटा है। बेटा है? अच्छा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल जो है टाइम हो चुका है गाइस, राइट 6 बज चुके हैं। सो मैं पार्क आ चुका हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे। वो तो डेली का रूटीन है मेरा, एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, उतना ही इंसान को एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आ चुका हूँ, आप लोग भी जग जाइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। फिलहाल हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लिया, अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है यार। आप लोग भी करके देखो, अच्छा लगेगा। फिलहाल टाइम भी हो चुका है, टाइम की भी पाबंदी है ना, 7:10 हो चुके हैं, 1 घंटा हो गए मुझे आए हुए। सो गाइस, मैं नेहरू प्लेस पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में गया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद जो है फिर आया, कैंसिल का दवाई पिला दिया, उसके बाद अभी आया हूँ नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में आया हूँ, किस लिए आया हूँ ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ब्लॉक का लोगो है जो कि मैं आज स्टिकर के रूप में उसको प्रिंट आउट कराने के लिए आया हूँ। सो पिछली बार मैं विजिटिंग कार्ड थोड़ा सा प्रिंट करवाया था, अभी मैं पार्किंग एरिया में ही हूँ। सो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ना, मेरा जो मोटो का सेटअप होता है ना, उसका जो माउंटर है वो पता नहीं कहाँ खो गया, पता नहीं चला मुझे, कल ऑफिस में छूट गया या फिर बैग में नीचे घुस गया, पता ही नहीं चला, देखा तो मिला ही नहीं मुझे। फिर मैं ऐसे आ गया, थोड़ा जल्दीबाजी में था आज मैं, तो इसलिए आ गया मैं। आ चुका हूँ, देखो सामने तुम्हारा प्रिंटर है, प्रिंटिंग वहाँ पे आ चुका हूँ मैं, तो वहीं जा रहा हूँ मैं, तो फटाफट चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल जो है ना प्रिंट के लिए दे दिया, गोल मतलब राउंड साइज में लेके आया था, इस साइज़ में बनेगा, और क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था तो इस वजह से जो इन्होंने कहा कि मतलब राउंड शेप में नहीं होगा, इस शेप में होगा। मैंने कहा ठीक है, निकाल दो। सो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है गॉगल्स लगाना पड़ रहा है। पिछली बार की तरह इतना ज़्यादा नहीं है यार, हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जो है बहुत सारी तिरंगे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बच्चा देखो, हेलो कैसे दे रहे हैं? हाँ, 10 रुपये का ये? अच्छा, कितना बेच चुका है सुबह से? सुबह से कितना बेच चुका है? 5 रुपये बस, अभी रख ले, अभी आता हूँ, अभी तरह से नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चा था सुबह से 5 ही बिका है आज, इसका मतलब ये है कि इस बार जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है, मतलब हर घर तिरंगा के मुहिम के तहत मोदी जी ने कहा है, बट अभी पिछली बार की तरह इतना जोश और खरोश नहीं है। पक्का पक्का पक्का, आपका नाम? आयुष। आयुष आपका? दीपक। सो ये 2 सब्सक्राइबर मिल गए, अच्छा लगा। तो ऐसे ही है गाइस, आज जो है ना इतना कुछ है नहीं, ट्रैफिक चल रहा है लोगों के बीच में, मैं आज आया हूँ लेकिन वहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, अभी चलता है वहाँ पे, तो झंडा ही झंडा है बस, कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है। पिछली बार की तरह मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा सा होगा, लेकिन इस बार नहीं है बिल्कुल। पिछली बार मैं यहीं आया था और मैंने ही मतलब कवर किया था ये सारी चीज़ें, लेकिन इस बार इतना जोश और खरोश बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, लगा तो है लेकिन खरीदने वाले लोग कितने आते हैं ये नहीं पता। देखो यहाँ पे थोड़े बहुत झंडे मुझे दिख रहे हैं। सुरेश, पिछली बार मैं आया था ना तो यही अंकल थे यहाँ पे। ओ अंकल, राम राम, क्या हाल चाल है? पिछले साल मैं आया था हर घर तिरंगा के तहत, ये आजकल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है?
बिक रहे हैं कम बिक रहे हैं कम बिक रहे हैं अच्छा पिछली बार ज्यादा बिके थे ना बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा बिके पिछली बार इस बार नहीं है इस बार कम है कम है दिख ही नहीं रहा कोई पिछली बार तो उधर भी लगाया हुआ था उधर भी लगाया हुआ था इधर भी लगाया हुआ था इधर भी लगाया हुआ था इस बार तो है ही नहीं सर क्या करें सर अभी तो नहीं नहीं मोदी जी ने तो कल भी बोला था कि हर घर तिरंगा बोल के हां बोले थे सर बोले थे सर है ना गरीबों का तो बहुत सहायता करते हैं सर पर ऐसे है ना कोई लेते नहीं लेकिन है ही नहीं आज तो मैं देख रहा हूँ कोई खरीदने वाला है ही नहीं उधर आप तो उधर लगाए थे ना पिछली बार उधर लगाया था सर हाँ या उसके उसके पुल के नीचे बिल्कुल नहीं अंकल जी से मैंने पिछले साल भी बात किया था लेकिन इस साल भी बात कर रहा हूँ देखो यहाँ लेके लगाए हुए हैं यहाँ पे कोई आता नहीं है वैसे ये देखो ये इधर लोग खड़े हैं इनसे बात करता हूँ लेकिन पिछली बार की तरह मतलब ये कुछ ऐसा जोश वोश खरोश नहीं दिख रहा है मुझे नहीं है ना अंकल जी मोदी जी ने बोला है लेकिन अभी पिछली बार की तरह इतना जोश और खरोश नहीं है इस बार तो कैसा जाएगा नहीं पता अभी एक दो दिन और बचे क्या होता है पता चलेगा आप लोगों को सो गाइस पिछली बार मैं आया था ना तो यहाँ पे लगा था बहुत ज़्यादा लगे हुए थे वहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे भी लगा था यहाँ पे भी लगा था यहाँ तो पूरा भर गया था आज के दिन में बोलिए और इधर भी था आज इधर और इधर इधर ही है बस इधर तो है ही नहीं तो इस बार जो है बिल्कुल नहीं है गाइस मैं थोड़ा सा निराशा हुआ इस बार कोई मतलब खरीदना नहीं चाहता घर घर तिरंगा तो पिछली बार जो है ना बहुत ज़्यादा था यहाँ पे लगा हुआ और लोग खरीद रहे थे इस बार मैं एक भी नहीं देख रहा हूँ लोग खरीद रहे हैं नहीं नहीं वो लगे हुए देखो लगे हुए हैं लेकिन खरीद नहीं रहे लोग पिछली बार वहाँ था सारे भरे हुए थे इस बार है ही नहीं टाइमिंग अलग हुई थी अभी आने वाले हुई ऐसे हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है तिरंगा तो हर जगह बिक रहा है बिकना क्या फ्री में भी दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जब तिरंगा बिकेगा जब भी आएगा किसी के पास सही बात फ्री में भी दे रहे लोग ये हिंदुस्तान है यहाँ कुछ भी होता है ऐसा कुछ चलिए लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान है या फ्री में भी बढ़ता है तो पता नहीं अभी तो बिका हुआ मुझे नहीं दिखा तो मैं तो आया हुआ अभी तो चलते हैं अभी प्रिंट का मैंने ऑर्डर दे के आया था आई होप कि हो गया होगा उसको भी लेके फटाफट निकलते हैं क्योंकि कुछ है नहीं ऐसा अच्छा ये देखो एक बंदा दिखा मुझे गाड़ी में लगाता हुआ जा रहा है कौन है ये भी बेटा है बेटा है अच्छा कहाँ से आते हो मदनपुर खादर से हाँ वहाँ से आते हो रहते तो राजस्थान में अच्छा राजस्थान अच्छा कितना बिका है सुबह से कुछ भी नहीं होया 100-150 रुपए का क्या बस पिछली बार तो ज़्यादा बिका था ना अब पिछली बार बिका अभी नहीं बिक रहा कुछ इस बार नहीं है खत्म वहाँ से आते हैं और यहाँ पे झंडा उंडा बेचते हैं पिछली बार बहुत ज़्यादा था यार मैं इसी उम्मीद से आया था कि कुछ ज़्यादा होगा इस बार कुछ नहीं है तुझे ढूंढ के मैं 10 मिनट तेरा वेट किया बताया तुझे मैंने बोला था ना तेरे साथ ही लूँगा बोला था कि नहीं इसलिए तुझे बुलाया सुबह से मैंने 2 तिरंगा ले लिया बच्चे से तेरा नाम क्या है विष्णु है ना तो ये विष्णु से मैंने 2 तिरंगा ले लिया खुश है तू क्या मान सैनिक खुश है तू खुश है अच्छा कह रहा है मैं खुश हूँ पढ़ने जाता है कि नहीं जाता नहीं नहीं नाम लिखा रहेगा 2 महीने की छुट्टी आ गई है कहाँ 2 महीने की छुट्टी होती है कहाँ मैंने इसको बोला था खुला करके लिया देखते हैं कितना ईमानदार है मैं सोच के इसको मैंने भेजा था लेकिन काफ़ी ईमानदार निकला बच्चा आ गया देखो इसी तरह से झंडा बेचेगा सुन इसी तरह से ईमानदारी से झंडा बेचेगा ना हाँ ये ले ये तेरे लिए सारे पैसे ठीक है खुश है चल तुम दे तो दिया भाई को तेरा भाई ईमानदार है इसलिए दिया है तू भी ईमानदारी से बेचना ठीक है सो गाइस बच्चा तो है ना कितना ईमानदार निकला ना मैंने उसको मतलब टेस्ट करने के लिए बोला था कि भैया जाके तू चेंज करके लिया लेकिन चेंज करके लाया जा हेलो कहाँ से हो अच्छा ये प्रसाद बट रहे हैं हाँ जी लंगर हो रहा है यही काम करते हैं ना चौक पे से अच्छा अच्छा लेबर का काम करते हैं और सब बढ़िया सो चलते हैं गाइस अब तक तो मेरा प्रिंट भी तैयार हो चुका होगा लेकिन बच्चा काफ़ी ईमानदार निकला मुझे इस पे एक सलाम तो बनता है गाइस इसके लिए
अच्छा लगा मुझे, बहुत ईमानदार बच्चा निकला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ईमानदार बच्चे हो ना तो देश की बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो फटाफट चलते हैं गाइस, अभी वो प्रिंट तैयार भी हो चुका होगा मेरा, तिरंगा मैंने भी ले लिया है, फहराते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन लगाऊंगा कहाँ, घर पे ले जाकर रखूंगा मैं इसको। स्टिकर छप गए हैं, फटाफट निकलते हैं। लेकिन मैंने जितना उम्मीद किया था हर घर तिरंगा, उतना अभी इस बार है नहीं मुझे जहाँ तक लगा। सो मैंने आप लोगों को शेयर किया ये सब चीज़ें। सो फिलहाल इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आए होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।